हेलो दोस्तों, मैं शीश सदर टेस्ट गार्डन दिवस बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वागत है। जी दोस्तों, मैं दो पौधों के बारे में बात करूंगी। वैसे तो बहुत सारे पौधे हैं कि जो एक बार आप लगाओ तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाते हैं, लेकिन मैं ये दो पौधे के बारे में बात करूंगी कि एक ही ये है मॉर्निंग ग्लोरी, आप देख रहे हैं। इसमें इतने सारे पौधे उगे थे कि मैंने निकाल दिया है और इसमें देखिए कलियां भी बनने लगी नए नए पौधे में, क्योंकि पुराने ये पौधा है कि 12 महीना आपको फ्लावर देता है। 2 महीना ठंड में एक दो ही इसमें फ्लावर आते हैं, बाकी ज्यादा नहीं आते क्योंकि कोहरे का और गलन वाली ठंड हो जाती है। बाकी इसमें 10 महीने तो इतने ये फ्लावर करता है कि आपको पूरा ये फूलों से भर जाएगा और ज्यादा कोई फर्टिलाइजर, ज्यादा कोई केयर भी नहीं करनी पड़ती और ना इसको आपको लगाना पड़ता है। बस इस तरह के बीज झड़ते जाते हैं। देखिए आप, ढेर सारे ये पौधे तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं ऐसे निकाल निकाल के अपनी मनचाही जगह पर लगा दूंगी और देखिए हर पौधा स्वस्थ है ये, क्योंकि इसमें एक ही पौधा है, दोनों में एक इसमें लगा था एक इसमें लगा था और इसके बीज मिट्टी में झड़ गए होंगे। मैंने वो पुराना पौधा निकाल के फेंक दिया, इसमें मैं कुछ और लगाई थी और ये देखिए समय आने पर इसके बीज इतने बड़े बड़े पौधे बन गए हैं। तो आप इनको कहीं भी लगा सकते हैं और कोई ज़्यादा केयर नहीं है। दूसरा पौधा है दोस्तों, ये देखिए गेंदा, ये गेंदी मैंने ये लगा दिया। कैसे देखिए, इकट्ठे गुच्छे में जमे हैं। जैसे ये बीज हैं, इनको आप दबा दो कहीं भी मिट्टी में, इकट्ठे निकल आएंगे, या कि फिर अलग अलग ही आप स्प्रिंकल कर दो इस तरह के बीज। ये तो अभी कम मैच्योर है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह की ये सूखा बीज, ये मैं कहीं भी आप स्प्रिंकल कर दो मिट्टी में इस तरह से, ऐसे करके दबा दो और पानी पड़ेगा तो समय आने पर ये निकल आते पौधे। लेकिन इस समय इनका समय चल रहा है गेंदा और गेंदी का, चाहे वो देसी गेंदा गेंदी हो चाहे हाईब्रिड का हो, तो बहुत ही जल्दी निकलते हैं। और निकलने के बाद जैसे ही पौधे निकले और 15 दिन बाद देखिए इसमें इस तरह की कलियां बन जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की कलियां बन जाती हैं, ये देखिए छोटी छोटी। तो मैंने इसको निकाल के इस तरह से कई लगे थे, इधर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कलियां बन गई हैं छोटे छोटे पौधों में, क्योंकि इनका सीजन चल रहा है। बीज एक बार आप, जैसे ये पौधे मैंने अभी लगा दी गेंदा को, और जैसे ही पौधे ऊपर को निकले एक सप्ताह बाद इस तरह की छोटी छोटी ये कलियां बन जाती, बहुत जल्दी तैयार होता है। ये देखिए मैंने उसको, देखिए इस तरह का ट्रांसप्लांट भी किया है, ये आप देख सकते हैं ये कलियां बन रही हैं ये दोस्तों। और ये हाइब्रिड गेंदा है, इसको मैंने कटिंग से लगाया है, कुछ इधर ये कटिंग से मैंने लगाया है ये तो गेंदे में थोड़ा देर से बनती, देखिए पौधे बड़े हो गए हैं और कटिंग से बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं निकला, कोई कलियां नहीं निकलनी ही निकलने बनने वाली हैं कलियां तो। लेकिन गेंदी बहुत जल्दी तैयार होती है, गेंदी वैसे ये तैयार हो गई हैं। आप इसी को डायरेक्ट पौधे मिट्टी पे दबा देंगे तो इकट्ठा पौधे निकल आएंगे। अलग अलग दबाना है तो अलग अलग दबा दीजिए, या कि थोड़ा अभी और सूख जाए फिर लगाइए, बहुत जल्दी रेडी होगा। और दोस्तों इसको बड़ा करने के लिए मैं क्या करती हूँ, बड़ा करने के लिए कि बहुत ही जल्दी ये बड़ा हो, तो मैं आपको फर्टिलाइजर बताती हूँ। तो दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी को भी पूरे दिन की धूप चाहिए और मिट्टी में नमी बने रहे, और गेंदी प्लांट या गेंदा प्लांट चाहे हाइब्रिड का हो उसमें, उसको भी पूरे दिन की धूप चाहिए और मिट्टी में नमी बने रहे, बिल्कुल कीचड़ युक्त मिट्टी न रहे, दूसरा मिट्टी भुरभुरी रहे। और मिट्टी तो मैं वैसे बनाती हूँ, कई बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। और खाद क्या देती हूँ, अगर आप माह में 2 बार सरसों की खली और उसमें थोड़ा सा मेथी दाना मिला के लिक्विड बना लें, और बनाना पील मैं कई बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ वो डालें माह में 2 बार, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। और एक बार आप माह में 1 से 2 बार आप जो प्याज और लहसुन का छिलका भी डाल सकते हैं, छिलके का लिक्विड, लहसुन और प्याज के छिलके का लिक्विड, वो भी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो भी आप डाल सकते हैं। और आप ये सब नहीं कर सकते तो सबसे सरल तरीका है, आप ये 1 लीटर पानी में 7-8 दाना DAP ले लीजिए, और ये हमने दाने तो नहीं गिने हैं पर ये देखिए इतने छोटे से ये यूरिया है, ये अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो फिर यूरिया मत करें, उसमें ही सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। पर अगर आप ये सब कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप DAP ले लीजिए, थोड़ा सा यूरिया ले लीजिए, थोड़ा सा ये देखिए पोटाश ले लीजिए। आप 1 से 1.5 लीटर पानी में इनका, इन तीनों को घोल लीजिए अच्छे से और बढ़िया मिट्टी में डाल दीजिए और इनमें डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों आपके पौधे फ्लावर से भर जाएंगे बिना मेहनत के, बस आप माह में 1 से 2 बार ये लिक्विड डालिए, फिर देखिए इसका रिजल्ट।